यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का शर्ट आपको मिल रहा है। ये देखिए लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, कलर वाइज अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, कपड़े की पूरी तरह से गारंटी होती है, धोने के बाद भी इसका कलर नहीं जाता या इस फैब्रिक पे दाने नहीं आते। कई बार कैसा होता है कपड़ा अच्छा होता है दिखने में लेकिन उसके ऊपर जो है ना रुएं निकल आती हैं, तो ये जो कपड़े हैं इनमें रुएं नहीं निकलती। और प्यारा से पीस आपको मिल रहा है विथ इसका जैकेट, और आपके इनसाइड अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर शर्ट दिया गया है विथ कॉलर, और इसके ऊपर आप ये एक्स्ट्रा एसेसरीज देख रहे हैं जैसे बटन, फॉइलिंग और इसका जो बॉटम है सेम कलर के धागे से इसकी जो फिनिशिंग है कॉन्ट्रास्ट में कम्प्लीट की गई है। बॉर्न बेबी सैम्पल जिसको मैं कह रही हूँ, बॉर्न बेबी साइज़ की है, मतलब जो ज़ीरो साइज़ भी हम इसको कहते हैं वो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। अगर मैं इसके कपड़े की यहाँ पर बात करूँ तो एकदम सॉफ्ट फैब्रिक आपको यहाँ पर मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वैष्णवी चौहान, स्वागत करती हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आई हूं हमारे यहां जो किड्स वेयर का काउंटर है वो। अब मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको हर एक डिपार्टमेंट में लेकर गई हूँ हमारे यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, किस तरह से यहाँ पर सेटअप लगा है, और आप यहाँ पर आते हैं अजमेरा फैशन में तो आपको किस तरह से यहाँ से गाइडेंस दी जाती है, सेल्समैन रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होता है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के सवाल होते हैं, मैंने ओवरऑल सब कुछ उस वीडियो में कवर किया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। और हम बात करें इस वाले काउंटर की, तो ये है किड्स वेयर का काउंटर। किड्स वेयर में जो भी वैरायटीज़ होती है, मतलब ज़ीरो साइज़ से लेकर 15 साल की बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों के आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग कलेक्शन मिल जाएंगे। तो ये पूरा काउंटर आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, बहुत सारा स्टॉक है, इस साइड बहुत सारा है, मतलब हम पूरा काउंटर है काफ़ी बड़ा है, और इसी काउंटर में बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ मेंटेन की गई है। तो उसमें से मैं कुछ रैंडम सैंपल्स आपके लिए लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे सैम्पल यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी यहाँ पर कौन सी मिलने वाली है आपको। तो ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हैं पहला सैम्पल, बॉर्न बेबी सैम्पल जिसको मैं कह रही हूँ, बॉर्न बेबी साइज़ की है, मतलब जो ज़ीरो साइज़ भी हम इसको कहते हैं वो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। अगर मैं इसके कपड़े की यहाँ पर बात करूँ तो एकदम सॉफ्ट फैब्रिक आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम इसकी क्वालिटी के यहाँ पर बात करें तो आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, मतलब फोर वे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं, बॉर्न बेबी होते हैं या फिर उससे थोड़े बड़े जो बच्चे होते हैं, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसके ऊपर अगर आप लो क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करेंगे या वो कुछ भी, उनकी स्किन को इरिटेशन हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, तो ये चीज़ों का हमने यहाँ पर ख्याल रखा है और आपके लिए ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसमें आप काफ़ी अच्छी मार्जिन ले सकते हैं और आप अपने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल बच जाता है जिसे मैं वीडियो में नहीं कवर कर पाती तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिए गए हैं वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आगे की सारी जानकारी आपको हमारी जो ऑनलाइन सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट है, वो आपको आगे की गाइडेंस सारी प्रोवाइड करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी। ये बहुत प्यारा पीस है एक्चुअली में, मतलब पूरा बेबी कवर हो जाता है ये, वो चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं, लॉन्ग स्लीव्स है, ये हैट इसकी दी गई है, टोपी इसके साथ कवर की गई है, और ये पूरा है काफ़ी अच्छा सा। और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर हुक्स यहाँ पर दिए गए हैं काफ़ी प्यारे से, तो यहाँ पर आप बेबी को काफ़ी अच्छे से फिटिंग करवा सकते हैं इसकी, काफ़ी क्यूट सा पीस है उसकी। ये हैट और ये कलर देख रहे हैं, कपड़ा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, मतलब आपको कपड़े की टेंशन नहीं होती। अगर आप अपना नया बिज़नेस चालू करना चाहते हैं और आप अपने पास अच्छा कलेक्शन रखना चाहते हैं, आप अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप अजमेरा फैशन से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के आप बहुत सारा न्यू कलेक्शन, ट्रेंडिंग कलेक्शन, एवन क्वालिटी की चीज़ें अपने पास रख सकते हैं और अपने कस्टमर को अच्छी मार्जिन ऐड करके सेल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है। बहुत प्यारा पीस है एक्चुअली, है विथ जैकेट दिया गया है, कोटी हम इसको कह सकते हैं, और प्यारा से पीस आपको मिल रहा है विथ इसका जैकेट, और आपके इनसाइड अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर शर्ट दिया गया है विथ कॉलर, और इसके ऊपर आप ये एक्स्ट्रा एसेसरीज देख रहे हैं जैसे बटन, फॉइलिंग और इसका जो बॉटम है सेम कलर के धागे से इसकी जो फिनिशिंग है कॉन्ट्रास्ट में कम्प्लीट की गई है जिससे काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है।
कंफर्टेबल फैब्रिक मिलता है और कलर कपड़े की आपको पूरी तरह से हमारे यहाँ गारंटी मिल जाती है, जिससे अच्छी मार्जिन के साथ एक कस्टमर का ट्रस्ट जो होता है ना वो बिल्ड हो जाता है। आप नया बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, आप आपके माइंड में सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल मुझे अपना इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट मुझे कपड़े की फील्ड में करनी है, बिज़नेस नया चालू करना है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किड्स वेयर में या फिर साड़ीज़ में, जो ऑल ओवर इंडिया में पहनी जाती हैं, वैसी साड़ीज़ या ड्रेस मटेरियल या कुर्ती, ऐसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करके अपना बिज़नेस आगे लेके जा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, बिज़नेस तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन हमें इन्वेस्ट कितना करना चाहिए? तो इसके मैं दो अलग अलग आंसर दूंगी, एक सवाल के दो अलग अलग आंसर हैं। मतलब अगर आप अपना बिज़नेस घर से चालू कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 15,000 से 25,000 इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आप सारी वैरायटी अपने पास मेंटेन कर लें। मतलब अगर मैं आंकड़ों में आपको बताऊं तो 5,000 की कुर्तीज़, 5,000 की साड़ीज़, 5,000 के ड्रेस मटेरियल्स, 5,000 का किड्स वेयर और लेडीज़ अंडर गारमेंट्स, ऐसा कुछ मिक्स करके आप अपने पास वैरायटी रखिए, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि आपका जो एरिया है, जिस एरिया में आप यहाँ पर सेल करने वाले हैं, उस एरिया में कौन सी चीज़ें चलती हैं और कौन सी तरह की चीज़ें कस्टमर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको वही सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई जाती हैं और वही आपको यहाँ से दी जाती है। तो आई होप आपके माइंड में ये क्लियर हुआ होगा। तो घर से चालू करें तो 15,000 से 25,000। और इसका दूसरा आंसर है, अगर आप अपना बिज़नेस एक शॉप से चालू कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक शॉप से ही बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 1 से 1.5 लाख। क्योंकि अगर आप शॉप ओपन कर रहे हैं तो शॉप के हिसाब से आपके कस्टमर के माइंड में, आपके कंज्यूमर के माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि इनके पास वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है। अगर वो साड़ी ले रहे हैं तो साड़ी के एटलीस्ट आपके पास 10 से 15 अलग अलग वैरायटी होंगी रेंज वाइज। तो हर तरह के कस्टमर आते हैं, किसी को लो रेंज की चीज़ें चाहिए होते और किसी को सिर्फ क्वालिटी चाहिए होती, रेंज का इशू नहीं होता। तो हर तरह के कस्टमर होते हैं और आपके पास हर तरह की चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि बिज़नेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक रेडी करना या नई नई चीज़ें, ट्रेंडिंग कलेक्शन अपने पास मेंटेन करना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ कौन सी दी गई है। तो ये पर्टिकुलर जो आप यहाँ देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत सा कलर, इसका कलर कॉम्बिनेशन किया गया है, आप देख रहे हैं। और ये तो था लॉन्ग स्लीव्स का, और नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, वाओ, ये शॉर्ट स्लीव्स में है या फिर विदाउट स्लीव्स भी इसको कह सकते हैं। और ये स्पोर्ट्स में हम गिन सकते हैं, स्पोर्ट्स वेयर में भी इस तरह की चीज़ें पसंद कर ली जाती हैं। ये देखिए बॉटम दी गई है, बॉटम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये देखिए स्ट्रेचेबल है, फुल स्ट्रेचेबल चीज़ दी गई है। वाओ, ये पैटर्न भी बहुत प्यारी है, शर्ट के साथ लॉन्ग जीन्स यहाँ पैर अप की गई है। अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं, मतलब बच्चों की जो कपड़े होते हैं वो नंबर से गिने जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो हर एक नंबर के आपको मिली जाती है, क्योंकि बच्चों का जो साइज़ होता है वो साइज़ के थ्रू नहीं मापा जाता, वो लेंथ के थ्रू मापा जाता है, और 15-16 साल के बाद में उसको साइज़ के थ्रू मापा जाता है। मतलब अगर बच्चों का ले रहे हैं तो आपको 1 नंबर 2 नंबर 0 नंबर 5 नंबर इस तरह से मिलते हैं, और अगर आप बड़ों के लेते हैं तो स्मॉल, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, इस तरह से आपको मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। और अगर कोई मुझसे सवाल छूट गया है, उसका आंसर छूट गया है, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके उसका आंसर जान सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं कुछ भी, या हमारा स्टॉक चेक करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिए हैं वहाँ पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आगे की जानकारी हमारे ऑनलाइन सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए, वेराइटीज़ तो बहुत सारी हैं, ये विथ ओनली शर्ट आपको दिया गया है। और पैर अप की अगर बात करूँ तो आप ये देख रहे हैं, इनसाइड जो है इसका टी शर्ट दिया गया है, इसके ऊपर ही काफ़ी डेनिम लुक में इसका जो कोटी है वो पैर अप किया गया है। और ओनली शर्ट की अगर बात करूँ तो आप यहाँ पर देखिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का शर्ट आपको मिल रहा है। ये देखिए लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, कलर वाइज अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, कपड़े की पूरी तरह से गारंटी होती है, धोने के बाद भी इसका कलर नहीं जाता या इस फैब्रिक पर दाने नहीं आते। कई बार कैसा होता है, कपड़ा अच्छा होता है दिखने में लेकिन उसके ऊपर जो है ना रुएं निकल आती हैं, तो ये जो कपड़े हैं इनमें रुएं नहीं निकलती, ना ही धोने के बाद इसका कलर जाता है। तो प्योर वॉशेबल चीज़ है, एक बार आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ऐसी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। तो ये तो हो गई बात ओनली शर्ट्स की। उसके अलावा हमारे पास ओनली पैंट्स में भी वैरायटी अवेलेबल है। आप ये देख रहे हैं, कुछ दो सैंपल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ।
ये छोटी साइज में है, ये बड़ी साइज में है। जैसे मैंने कहा था 15 साल तक के बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे। तो कई बार हाइट लंबी होती है, मैंने कहा कि साइज नहीं, नंबर वाइज बच्चों के होते हैं कपड़े, तो अलग अलग नंबर वाइज चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वैरायटी बॉयज़ किड्स वेयर की। हमारे यहाँ गर्ल्स किड्स वेयर की भी बहुत सी वैरायटी है, लेकिन वीडियो की लेंथ की वजह से मैं अभी ये नहीं दिखा सकती, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आई हूँ, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।